हो गया। हाँ बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अब ये जितने भी है ना लाइव पे कमेंटबाजी कर रहे हैं ना, सुन लो, आज का टॉपिक का नाम है आय, खर्च और बचत। आप कुछ कमाओगे तो उस कमाने में से कुछ बचत करोगे, लेकिन उसके बाद कुछ खर्चा भी होगा। खर्चा कहाँ कहाँ होगा ये पहले सुन लो तुम, ठीक है? लाइव है, ठीक है बेटा। पहले ये खर्चा सुनो, तुम्हारा कहाँ का खर्चा होगा सुन लो। ये कैलकुलेशन आज सारी क्लास में चलनी है, ठीक है? समझ गए? एक्चुअली मैं आज टॉपिक यही चलने वाला है बेटा, तुम्हें करनी है कमाई, क्योंकि आगे होंगे खर्चे और फिर उसके बाद बचत भी करनी पड़ेगी। समझ गए तुम? अब यहाँ आ जाओ, अब यही टॉपिक मुझे समझाना है, आय, खर्च और बचत, ठीक है? यहाँ देख लो भैया, अब बहुत देर हो गई, यहाँ आ जाओ पहले, ठीक है? देखो अब तुम सबके समय कमेंटबाजी कोई नहीं करेगा, यहाँ आ जाओ चुपचाप। अब पहले समझ लो, यही जो खर्चा समझाना चाह रहा था मैं, ये तुम्हारी खोपड़ी में बस जाना चाहिए कि इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पर, अब सारे सारे यहाँ पे देख लो प्लीज। देखिए भाई, मैंने आज बात करनी है एडिशन की। किसकी बात करनी है? एडिशन मतलब जोड़ने की। किसकी बात करनी है बेटा? जोड़ने की। तो जोड़ने वाली बात को समझ लेना। जैसे मैंने कहा कि मान लो दो संख्याएं हैं ए और बी, और इन्हें मैं जोड़ना है मुझे, तो ए और बी को जोड़कर एक संख्या बनेगी, मैंने माना सी। समझ गए क्या यहाँ तक? आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ गया। पहली बात तो गौर से सुन लो रे, कल तक मैंने क्लास ली थी गुणा की और भाग की, गुणा और भाग समझा दिया था अच्छी तरह से, पिछली क्लास देख लेना। उसके बाद आज जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो हो रही है दो संख्याओं को जोड़ने की। तो ए और बी दो संख्याएं हैं, इन्हें मुझे जोड़ना है, तो अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो गारंटेड एक संख्या सी बनेगी। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। सर आप बताइए, ये जो ए बी और सी होगा इनका अपना एक कुछ मान होगा, तो इनकी अपनी एक वैल्यू होगी। तो मैंने इनकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान ली, मैंने कहा ए और बी इन दोनों संख्याओं का अनुपात है 2:3, यानी कि ए एक संख्या है जो कितना मान लेके बैठी है 2, बी एक संख्या है जो कितना मान लेके बैठी है 3। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो सी का मान कितना बनेगा 5। आपने कहा सर बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कल से और परसों से मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, चेंज करने की। चेंज करने का मतलब वृद्धि और कमी। क्या कर रहा हूँ बेटा मैं? वृद्धि और कमी की बात। चेंज करने का मतलब होता है बढ़ाना या घटाना। तो मैंने अब चेंज करना है इन तीनों में से किसी दो को, और जो बच गया, जो भी बचेगा उसका मुझे चेंज निकालना है। तो गौर से सुनना, मैं इस ए को चेंज कर रहा हूँ और इस बी को चेंज कर रहा हूँ, और मैं सी का चेंज निकालना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ए जो भी संख्या ये दो है, इसको मैंने बढ़ाया 20%। कितने परसेंट बढ़ाया? 20%। तो ये चेंज हो जाएगी। और जो ये संख्या बी जो है 3, इसको मैंने मान लीजिए बढ़ाया आपका 10%। कितने परसेंट? 10%। तो अगर मैं इस दो को 20% बढ़ाऊंगा, इस 3 को 10% बढ़ाऊंगा, तो ये जो संख्या 5 है ये भी तो किसी परसेंटेज से बढ़ेगी। तो यही परसेंटेज मुझे निकालना है। तो जो मुझे परसेंटेज निकालना है उसको मैंने एक्स परसेंट मान लिया। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? अब आप बताइए, देखो बेटा, अब अगर आपको ये x परसेंट निकालना है सी का चेंज, कल मैंने यही क्वेश्चंस करवाए थे गुणा वाले केस में क्या करते थे, जो चेंज है वैल्यू से तो हमें कोई मतलब होता ही नहीं था, वहां पे हमें तो बस परसेंटेज चेंज देखना पड़ता था, और गुणा वाले केस में आंसर डायरेक्ट आ जाता था। पहले एक एक करके जोड़ देते थे, 20 और 10 30, और फिर दोनों को गुणा करके 200 में 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 2, तो 30 और 2 कितना हो जाता था आंसर? 32%। तो आंसर सी का अगर गुणा होता तो आंसर 32% की वृद्धि होती, लेकिन ये गुणा है ही नहीं, ये तो प्लस वाला केस है। कौन सा केस है? प्लस वाला। तो प्लस वाला केस अगर कभी भी आ जाए और आपको कभी भी दो वेरिएबल का चेंज दे रखा हो और तीसरे का निकालना हो, तो जिसका निकालना हो उसे एक्स परसेंट मान लेना। क्लियर हुआ?
अब इन्हें एक्स परसेंट मान लिया, तो अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कुछ नहीं करना मेरे लाडलो, आपको बस टोटल चेंज लिखना है, आपको बस टोटल चेंज की एक लाइन लिखनी है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो अब आप बताइए टोटल चेंज कैसे आएगा? तो ए का चेंज और बी का चेंज जोड़ दें तो टोटल सी के चेंज के बराबर होना चाहिए। तो ए है कितना बेटा? 2, और उसका कितना परसेंट बढ़ा? 20%। तो 20% किसका? 2 का। का माने मल्टीप्लाई, तो 20 × 2 नेट कितना बढ़ गया बेटा? 40%। प्लस आप बताओ 10% किसका? 3 का। तो का माने मल्टीप्लाई, तो 10 × 3 का कितना हो गया? 30%। और बेटा इन दोनों को जोड़ के टोटल सी के बराबर होना चाहिए। सी का परसेंटेज मैंने कितना माना? एक्स। एक्स परसेंट किसका? 5 का। तो ये हो गया 5x%। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो अब आप कुछ मत करो, कैलकुलेशन कर दो, तो आप सीधा बोलोगे 5x% बराबर कितना आ गया भाई? 40 और 30 70, और 70% बराबर 5x, तो x बराबर निकाल देंगे डायरेक्ट। तो आप कहेंगे भाई 5 से अगर इसे काटें तो ये 14 बार कटेगा, तो आंसर आएगा 14% की वृद्धि। इसका मतलब जब ये गुणा हो रहा था तो आंसर आता रहा 32%, लेकिन आज अगर ये प्लस है तो यही केस में सी का आंसर कितने परसेंट वृद्धि हुई? 14%। इसका मतलब गौर से सुन लो मेरे लाडलो, कि जब कहीं भी प्लस का केस होता है तो आपका जो आंसर है वो दो बातों पर निर्भर करता है, वैल्यू पर और परसेंटेज चेंज पर। और अगर आपको कभी परसेंटेज चेंज निकालनी हो तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि जिसका परसेंटेज चेंज दे रखा उसे पुट कर दो, जिसका निकालना उसे एक्स परसेंट मान लो, टोटल के लिए मल्टीप्लाई करके टोटल चेंज निकाल के जोड़ के टोटल बराबर टोटल कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बात बताओ ये है क्या? अब गौर से सुनना रे, एक और तरीका है, मेथड नंबर 2 भी है, एक मेथड नंबर 2 भी है, लेकिन उस मेथड नंबर 2 पर जाने से पहले मैं एक बात बता क्लियर कर देना चाहता हूं। आपने ये किया क्या? आपने मल्टीप्लाई तो किया भाई, आप बताओ ये क्या है बेटा? एक तरह से नंबर है और इसे मान लो एक तरह से एवरेज, तो नंबर इंटू एवरेज बराबर टोटल समी तो आता है, कि औसत बराबर क्या होता है आप बताइए? औसत बराबर क्या होता है? सम अपॉन नंबर। तो सम बराबर क्या होगा बेटा? एवरेज इंटू नंबर। इसका मतलब जोड़ने का मतलब है समूह बनाना, और जहां समूह बैठ गया वहां क्या बात की हो जाएगी? औसत। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन एवरेज मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। अब एवरेज वाले मेथड से सुन लो, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक को बराबर करना। तो आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एवरेज वाले तरीके से। तो अब एक दूसरा तरीका और सुन लो इसी आंसर को निकालने का, दैट इज एवरेज वाला मेथड। और एवरेज चैप्टर पढ़ा चुका हूं तो सबको मेरे हिसाब से सबको आ जाना चाहिए कि एवरेज वाला तरीका क्या है। तो एवरेज वाले तरीके से दो कैसे करेंगे बेटा? बताओ ये कितनी संख्याएं हैं? 2, और इन दोनों का मिलाकर एवरेज निकालना है। कौन कौन सी संख्या है? ए और बी, इनको मिला के ही क्या बन रही है बेटा? सी। तो ए है कितनी बेटा आप बताओ क्वेश्चन के अंदर? 2, और बी कितनी है बेटा? 3, और ए के अंदर कितने परसेंट बढ़ रहा है बेटा? +20%, और बी के अंदर कितना बढ़ रहा है बेटा? +10%। अगर इन दोनों को मिला के नेट सी का चेंज निकालना है तो आप बताओ इन दोनों को मिलाना ही तो है। तो एवरेज वाला तरीका याद करो, अब एवरेज वाला चैप्टर याद करो, अगर दो ग्रुप का आपस में मिलाना हो तो बेहतरीन तरीका है कि ज्यादा वाले को कम में डाल दो, क्योंकि ज्यादा वाले को अगर कम में डालोगे तो आपको बस एवरेज का मतलब बराबरी तो करना है। तो ये वैल्यू अलग अलग है 10 और 20, अगर इन्हें बराबर करना है तो एक काम करो ज्यादा वाले को उठा के कम वाले में डाल दो। तो आपको बराबर करने के लिए अगर आप दो चीज अलग अलग हैं और उन्हें बराबर करना चाह रहे हो तो बराबर करने का बेहतरीन तरीका उन दोनों को पहले बराबर बराबर दे दो और जो एक्स्ट्रा बचे उसको देख लो, इसका मतलब एक्स्ट्रा की कैलकुलेशन कर दो। तो 20 को जब हम 10 में डालेंगे तो कितना एक्स्ट्रा जाएगा? तो आप कहेंगे 20 जो है वो 10 लेके जाना चाहिए था 10, लेकिन लेके जा रहा है 20, तो कितना फालतू लेके जा रहा है? 10, और 10 कितनी संख्याएं लेके जा रही है बेटा? 2, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना जा रहा है बेटा आपका? 20, और जो ये 20 है ये बराबर बराबर बांटना है सब में, तो जब ये इसमें मिक्स हो जाए तो टोटल बंदे कितने हो जाएंगे? 5, जब इसमें 5 में बराबर बराबर बांटोगे तो 5 × 10 तो 2 × 4, यानी हर एक का कितना बढ़ जाएगा? 4। तो आप बताओ पहले हर एक का था कितना इस ग्रुप में? 10, 10 में 4 और बढ़ जाएगा तो सी का आंसर कितना हो जाएगा? 10 में 4 बढ़ के 14%। देखो यही आंसर है क्या? इसका मतलब जो चीज अभी आप टोटल चेंज से निकाल रहे थे वो वास्तव में कोई और तरीका नहीं बल्कि एवरेज का तरीका है। इसलिए कभी भी दो ग्रुप को मिला के अगर आपको टोटल चेंज निकालना हो तो आप एवरेज के तरीके भी से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, जो ज्यादा है उसको कम में डालेंगे और बस ये देखेंगे कितना एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। तो 20 जब 10 के अंदर जाएगा तो कितना फालतू लेके जाएगा? 10,
और ऐसे ऐसे कितनी संख्या लेके जाएंगे बेटा, दो, तो 10 दुनी 20, और जब ये 20 फालतू पहुंच जाएगा तो ये बराबर बराबर कितनी संख्या में बटेगा, 2 और 3 5, तो 5 में जब 20 को बराबर बराबर बांटोगे तो हर के पास कितना पहुंचेगा, 4, तो यानी जो पहले एवरेज 10 था उसमें 4 और बढ़ जाएगा मिक्स होने के कारण, तो 10 और 4 14 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। सर समझ में आई बात? इसका मतलब जो जोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं वो दो तरह से खत्म हो जाते हैं, या तो आप टोटल चेंज लिख के क्वेश्चन खत्म कर दो, या फिर आप उन्हें एक दूसरे में मिक्स करके खत्म कर दो। बोलो क्लियर है या नहीं है? सर समझ में आई बात? अब बात यह है कि अभी आपने एक बात समझी, अब एग्जाम में कभी भी आपको ए बी सी नहीं लिखेगा, वो ये ए बी सी नहीं लिखता है, इन्हें भाषा में लिख के देगा, तो भाषा समझो। अभी तुम अभी एक अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक मटर गस्ती की होगी, तुमने एक मजे मजे में बात सुनी होगी कि अगर मैं इस ए को बोल दूं कि एक व्यक्ति का खर्चा मान लीजिए, और इस बी को बोल दूं उस बच्चे उस बंदे की बचत, अरे क्लियर है? तो आप बताइए एक व्यक्ति को खर्च, एक व्यक्ति के खर्च को अगर बचत में जोड़ेंगे तभी तो उसकी टोटल आय आएगी। तो यही जो सी है इसको हम टोटल क्या बोल सकते हैं बेटा, आय। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, बेहतरीन तरीके से क्या बन गया। अब यही क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि यदि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात कितना है बेटा, 2:3, यदि उसका खर्चा 20% बढ़ जाए, खर्चे मैं रोज करूं सू, याद आया? अभी सुनो देखो, खर्चे कितने बढ़ जाए 20% और बचत कितने परसेंट बढ़ जाए 10%, तो बताइए उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आपका आंसर आएगा 14% की वृद्धि। अरे क्लियर है या नहीं है? क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, बस आपको आज तो इसलिए गौर से सुन लेना, खर्च खपत और मूल्य में तो रिलेशन होता है गुणा का, लेकिन खर्च बचत और आय में रिलेशन होता है प्लस का। अरे समझ गए? तो जो भी खर्च बचत आय वाले क्वेश्चन होते हैं वो प्लस से सॉल्व होते हैं, मतलब एवरेज से लगा दो या फिर टोटल चेंज लगा दो, बेहतरीन तरीका। सर समझ में आई बात? अब आप बताइए इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं भाषा चेंज करूं, तो ए को अगर मैं पुरुष बोल दूं और बी को मैं महिलाएं बोल दूं, तो महिला पुरुष को जोड़ोगे तो टोटल बनेगा ना। तो देखिए यही क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यदि पुरुष और महिलाओं का अनुपात 2:3 है, यदि पुरुष की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो बताइए टोटल में कितने की वृद्धि होगी, तो बेटा आपका आंसर सेम टू सेम कितने परसेंट आएगा, 14%। यानी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, भाषा बदलेगी बस। अरे क्लियर है या नहीं है? और इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, बेहतरीन। अरे क्लियर है? वैसे मेरे हिसाब से अगर कभी टोटल का निकालना हो, टोटल माने आय का, टोटल का या सी का, इनका चेंज निकालना हो, तो बेहतरीन तरीका ये नहीं, इससे बेहतरीन तरीका होता है ये, इसमें बस एक्स्ट्रा देखना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अरे क्लियर है या नहीं है? जब किसी कंपोनेंट का निकालना हो तो टोटल बराबर टोटल कर देंगे। वैसे आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा एंड तक। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक बात गौर से सुन लो, आय खर्च और बचत, आप जो कमा रहे हैं वो आपकी आय है, और उसमें से आप पहले कुछ खर्चा कर रहे हो, वो आपको पता होगा कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, उस खर्चा करने के बाद जो आपके पास बच जा रहा है वो आपकी बचत है, और उस खर्चे को और बचत को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगी, टोटल आय आएगी। इसका मतलब आय खर्च और बचत वाले क्वेश्चन प्लस से सॉल्व होंगे, और जहां जहां प्लस का फंडा आएगा वहां वहां आप टोटल चेंज लगा देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, या एवरेज का फंडा लगा देना तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एवरेज माने एक्स्ट्रा ही कैलकुलेशन, क्वेश्चन खत्म। बोलो क्लियर हुआ, समझ गए? तो इसलिए मैंने आज बोला था कि आज हम सिर्फ खर्च बचत और आय की बात करने वाले हैं, तो ध्यान रखना भाई साहब ये वाले, मैं इसलिए मैंने आपको गाना सुनाया था, ध्यान रखना। अब खर्च बचत पे बात कर रहे हैं, एक बार फिर समझा देता हूँ, एक बार फिर सुन लो, मजे ले लो। अब देख लो, समझ में आ गई, खर्चा घना हो जाएगा, 20-20 हज़ार का हो जाएगा, समझ रहे हो आप? तो इसलिए कमाई करने के लिए पहले एक क्वेश्चन सीख लो, नहीं तो है ना वो खर्चा कभी कर नहीं पाओगे, समझ रहे हो? चलो आप आ जाओ यहाँ पे, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जल्दी फास्ट आंसर बताओ, जल्दी फास्ट फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी फास्ट। बेटा एक मिनट रुको,
चलो भाई आंसर बताओ इसमें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी फास्ट, टेल मी फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी फास्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आंसर बताएंगे सभी के सभी। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, अब सीरियस हो जाओ, बहुत देर हो गई। आंसर बताओ पहले क्वेश्चन का, सुनना अब यहां पर पहले मोटा मोटा सुन लो रे, एक कक्षा है उसमें छात्रों की कुल संख्या में से इतने परसेंट, 83 सही 1/3% क्या है बेटा, लड़कियां, तो लड़कियां बोल रखी 83 सही 1/3%, पहले तो आप सभी के सही बताओ 83 सही 1/3% का रेशियो क्या होता है, सभी के सही बताओ, तो आप बताओ नीचे वाले तीन को देखकर कौन सी परसेंटेज याद आई, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 होता है 1/6, और 16 का कितने गुना 83 है, 16 5 5 गुना, तो रेशियो बन जाएगा 5/6, इसका मतलब ये क्या है बेटा 83 सही 1/3% क्या है, लड़कियां, इसका मतलब 83 सही 1/3% लड़कियां हैं, तो 5/6 लड़कियां हैं, इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है 5, कितने में से बेटा टोटल में से, अरे क्लियर है या नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं बॉयज इज टू गर्ल्स बराबर टोटल, बोलो क्लियर हुआ या नहीं, तो लड़कियां कितनी दे रखी है बेटा 5, टोटल कितने में से 6 में से, तो लड़के कितने बचे भाई 1, बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या, तो ये जोड़ने वाली बात ही तो है, बॉयज और गर्ल्स को जोड़ोगे तो टोटल ही तो बनेगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, मतलब प्रेजेंट हैं एग्जाम में, तो कक्षा के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है, अगर आपको आंसर अनुपस्थित का निकालना है, एब्सेंट का निकालना है, तो एब्सेंट पर सोचना, एब्सेंट पर सोचना, तो सुनना भाई एब्सेंट पर अनुपस्थित पर बताओ, तो आप बताओ लड़के 60% उपस्थित हैं, तो लड़के कितने परसेंट एब्सेंट हैं, 40%, अरे क्लियर है, आप बताओ 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो लड़कियां कितनी एब्सेंट हैं, 20%, अब यहां से भी देख लो रे लड़को तुम के सब बदनामी कराते हैं लड़के, एब्सेंट 40 हैं, लड़कियां देखो कितनी सीरियस है बेचारी, 20% ही एब्सेंट है बस, यहां देखो, अब तब आपसे पूछा टोटल छात्रों का बताओ, तो टोटल का चेंज निकालना है, एक बात बताओ मैंने भी एक बताई थी, जब भी टोटल का निकालना हो तो एक काम करो एवरेज वाला तरीका लगा दो, कौन सा तरीका लगा दो, एवरेज वाला, तो चलो भाई इस क्वेश्चन को एवरेज से सॉल्व करते हैं भाई, चलो बेहतरीन तरीके से एवरेज से सॉल्व कर देते हैं, तो अब आप बताइए जल्दी फास्ट एवरेज के लिए क्या करते हैं बेटा, बराबरी तो करना है, तो एक काम करो ज्यादा वाले को कम में डाल दो, तो 40% वाले को जब 20 में डालोगे तो कितना एक्स्ट्रा जाएगा, 20%, अरे बोलो यार 20% ही तो एक्स्ट्रा जाएगा, बस ये देख लो एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, एक सेकंड में कैलकुलेशन हो जाएगी, तो 40 वाला जब 20 में जाएगा तो कितना फालतू लेके जाएगा बेटा ये 20, जाना तेज था इसे 20 लेके, लेकिन जा रहा है 40 लेके, तो 20 फालतू लेके जा रहा है ना, और जो 20 फालतू लेके जा रहा है ये बराबर बराबर सम कितने में बटेगा टोटल 6 में, तो बराबर सम में मार दो, तो ये आ गया एक तरह से 10/3%, और 10/3% होता कितना बेटा 3 सही 1/3%, यानी कि जो जब ये लड़के इसमें मिलाए जाएंगे लड़कियों में, तो एवरेज को कितना बढ़ा देंगे लड़के 3 सही 1/3%, कौन से एवरेज को बढ़ा देंगे 20 वाले को, तो 20 से अगर ये बढ़ जाएगा 3 सही 1/3% 20 से बढ़ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 23 सही 1/3%, बेहतरीन, क्या कोई ऑप्शन है, ये है 23 सही 1/3%, चेक कर लो ये क्वेश्चन किसका है, SSC CGL मेंस 2019 का है, बताओ आसान कैलकुलेशन है या नहीं है बताओ, देखिए भाई आंसर बताइए जल्दी फास्ट, अरे समझ में आ गया, फिर मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं, अगर कभी भी आपको दो ग्रुप को मिलाकर अगर आपको टोटल का चेंज निकालना हो तो बेहतरीन तरीका होता है एवरेज वाला तरीका, फिर देख लो यहां पर क्या है, 83 सही 1/3% की रेशियो होती है 5/6, मतलब टोटल लोग हैं 6, उनमें से 5 हैं लड़कियां, तो लड़के कितने बचे 1, उसने ये कहा क्वेश्चन में कि लड़के हैं 40% एब्सेंट, लड़कियां हैं 20% एब्सेंट, तो दोनों को मिलाकर टोटल कितने परसेंट एब्सेंट रहे होंगे ये निकालना है, तो जब टोटल निकालना हो तो बेहतरीन तरीका उन्हें बराबर करने पर जाओ, बेहतरीन तरीका एवरेज वाले तरीके से, तो ज्यादा वाले को कम में मिलाओ,
तो ज्यादा वाले हैं कितने परसेंट बेटा लेके बैठे हैं, 40%, और कम वाले कितने हैं, 20%। तो 40% वाले जब 20 में जाएंगे तो कितना फालतू लेके जाएंगे, 20%। और जो ये 20% फालतू पहुंच गया, ये बराबर बराबर सब में बांट रहा है सबको बराबर करने के लिए, तो टोटल बंदे हैं कितने, 6। तो 20 की वृद्धि को सब में बराबर बराबर बांटोगे 6 में, तो हर एक के पास कितनी वृद्धि पहुंचेगी, 3 से 1/3%। इसका मतलब 3 से 1/3% बढ़ जाएगा, कौन सा बढ़ जाएगा, 20। तो 20 से 3 से 1/3% बढ़ाओगे, आंसर आएगा 23 से 1/3%। बोलो क्लियर हुआ ये वाला तरीका। तो ये होता है बेहतरीन तरीका अगर आपको टोटल वैल्यू निकालनी है तो। लेकिन फिर भी अगर कोई ये कहे कि नहीं सर दूसरा वाला तरीका और बता दो, तो दूसरा वाला तरीका और देख लो भाई। ये वाला तरीका समझ आ गया सबको, अब दूसरे वाला तरीका मैं कर रहा हूं, गौर से सुनना, दूसरे वाले तरीकों भी वो भी सुन लो, थोड़ा मैं प्रैक्टिस दोनों ही करा दे रहा हूं। आप बताओ बॉयज के कितने परसेंट एबसेंट है, एबसेंट बताना, एबसेंट बताना, तो डायरेक्ट कितने परसेंट एबसेंट है बॉयज के, 40%। और गर्ल्स कितने परसेंट एबसेंट है, 20%। और टोटल का निकालना है तो टोटल को मान लो एक्स परसेंट, ये दूसरा तरीका बता रहा हूं। अब यहीं कहीं देख लो, अब एक काम करो टोटल चेंज बराबर टोटल चेंज कर दो, तो 40% कितने का है, एक का, तो कितना बनेगा टोटल मल्टीप्लाई करके, 40%। बोलो क्लियर है। प्लस 20% 5 का कितना बनेगा टोटल, 100%, और यही बराबर होगा 6x% के। बोलो क्लियर है। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या मैं बोल सकता हूं, 6x% सीधा सीधा किसके बराबर होगा बेटा, बताओ 140%, और प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस में, तो x परसेंट का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आप खुद बता दो, प्लस 140/6%। बेटा बताओ 2 से अगर काटेंगे तो नेट आएगा प्लस 70/3%, और 3 से अगर काटेंगे तो आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा बेटा, 23 सही 1/3%, 23 से 69 होता है आंसर, ये आ गया। तो बताइए समझ आ गया दोनों तरीके। आप एवरेज वाले तरीके से करोगे तब भी आंसर यही आएगा, आप टोटल चेंज वाले तरीके से करोगे, टोटल चेंज वाले तरीके से करोगे तब भी आंसर यही आएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से दोनों ही केस क्लियर हो गए होंगे, दोनों ही मेथड क्लियर हो गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सबके सब। बोलो क्लियर हुआ यहां तक, चलिए भाई अब अगले केस का आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट। अब ये और बता देता हूं, सुन लो, जब कंपोनेंट निकालना होता है, यहां पर तो ये टोटल निकालना है, यहां पर कौन सा निकालना है बेटा, टोटल का। अगर टोटल का निकालकर कंपोनेंट का निकालना हो तो फिर एवरेज वाला तरीका मत लगाना, एवरेज वाला तरीका लेंदी हो जाता आपके लिए। तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप कौन सा तरीका लगा देना बेटा, दैट इज टोटल चेंज बराबर टोटल चेंज, अगर कंपोनेंट का निकालना है तो। अगला क्वेश्चन करिए जल्दी फास्ट, तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट। अब मैंने आपको दोनों तरीके कर दिए हैं, क्वेश्चन देखो और पढ़ो और आंसर बताओ। SSC CGL Tier 2 मेंस 2020 का क्वेश्चन है, आंसर बताइए जल्दी फास्ट। प्लीज फास्ट आंसर बताएंगे सभी के सभी। टेल मी फास्ट आंसर बताओ जल्दी, अब टाइम वेस्ट करे बिना आंसर बताओ। देखो किसका निकालना है, वाई का, और फेल होने वाले छात्र निकालने हैं। तो वाई एक कंपोनेंट है, यहां पर दो स्कूल है एक्स और वाई, दोनों को मिला के बनेगा टोटल, लेकिन हमें आंसर निकालना है वाई का, तो इसलिए कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट निकालना है, टोटल चेंज बराबर टोटल चेंज करो और आंसर बताओ जल्दी फास्ट, आंसर क्या आएगा जल्दी फास्ट, मुझे आंसर चाहिए सबका। तो देखिए भाई, हेलो, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन देखो भाई, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, सुन लेना। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में स्कूल एक्स, एक तो स्कूल एक्स है कि कुछ छात्र उपस्थित हुए और 30% छात्र फेल हो गए, एक स्कूल एक्स है और उसके 30% छात्र फेल हो गए, फेल छात्र की परसेंटेज बता रखी है कि स्कूल एक्स में 30% छात्र फेल हैं। ये कह रहा है स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में, तुलना की जा रही है एक्स वालों से, तुलना में 150% अधिक छात्र स्कूल वाई में उसी परीक्षा में उपस्थित हुए, तो एक स्कूल वाई भी है और वाई के अंदर जो छात्रों की संख्या है वो इससे 150% अधिक है। 150% अधिक का मतलब कितना हो गया बेटा, आप खुद बताइए, 100% पहले थे, 150% अधिक हो गए, तो एक तरह 250% हो गए। अरे बोलो, तो 250% की रेशियो क्या होती है, एक बताओ डायरेक्ट, 250%, तो 250/100 अगर काटेंगे तो 25 5 × 10, तो एक तरह 5/2, इसका मतलब एक्स के अंदर 2 छात्र रहे होंगे तो वाई के अंदर कितने छात्र रहे होंगे बेटा, 5, तो टोटल कितने बनेंगे बेटा बता दो, टोटल कितने बनेंगे छात्र, 7। अरे क्लियर है, 150% अधिक है, हेलो, 150% अधिक है। फिर दोबारा देख लो, मैं फिर बता देता हूं, अगर वाई में जो छात्र हैं वो एक्स से 150% अधिक हैं, इसका मतलब एक्स में अगर 100% छात्र हैं तो यहां से 150% अधिक बनाओगे तो ये 250% है एक तरह से,
अब खुद काट के देख लो, परसेंटेज जीरो, पांच से काटो तो पांच दूनी दस और पचम पच्चीस, तो आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनका रेशियो पता लग गया आपको कि एक्स के अंदर दो स्टूडेंट है और वाई के अंदर पांच स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा, सात। अब गौर से सुनना, क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक्स और वाई में उपस्थित छात्रों में से कुल संख्या के 80% पास हुए और हमें निकालना है आंसर फेल का, तो एक्स और वाई का टोटल पास बता रखा है कितने परसेंट, 80, हमें चाहिए क्या फेल, तो टोटल का कितने परसेंट फेल हुआ होगा, 80% अगर पास है तो टोटल का कितने परसेंट फेल हुआ, 20%। तो वो कह रहा है कि वाई में फेल वाले छात्रों की संख्या बताइए, तो वाई वाले परसेंटेज निकालनी है फेल वालों की, तो उसे एक्स परसेंट मान लो। बोलो क्लियर हुआ क्वेश्चन, अब बस क्वेश्चन खत्म करो, क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो गया। अब आपको डाटा अगर समझ आ गया तो टोटल चेंज बराबर टोटल चेंज करो, क्वेश्चन खत्म। 20 दिया 60% प्लस 5x% बराबर 20 सत्ते 140%, बोलो क्लियर है। तो 60% अगर घटेगा 140 में से तो कितना बचेगा, 80%, और 80% किसके बराबर होगा बेटा, 5x%, और 5 से अगर 80 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 16, यानी x% का आंसर आ जाएगा 16%। इसका मतलब यह है कि y वाले के अंदर कितने परसेंट छात्र फेल थे, 16%। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा, सी। अरे समझ गए, तो ये था क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से। अगर कभी भी बात एडिशन की हो रही हो तो बेहतरीन तरीका होता है आप वैल्यूज को पुट करें और उसके बाद जो परसेंटेज चेंज दे रखी हैं उन्हें पुट कर दें, जो निकालना है उसे एक्स परसेंट मान लें, टोटल चेंज बराबर टोटल चेंज, बुद्धि मत लगाना और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। बुद्धि लगाने का मतलब ये नहीं है भाई यूं बैठ जाओ एग्जाम में जाके हाथ पे हाथ धर के किक करवा के बताओ, फिर तो कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है, थोड़ा पेन वेन चला लेना आंसर आ जाएगा। मैंने तरीका इतना प्यारा तरीका बता दिया कि आपको कितना भी टफ क्वेश्चन हो, मेंस हो, प्री हो, कोई भी हो, जीडीओ वीडियो सब उड़ जाएंगे यहां से। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। अब मुझे आंसर चाहिए सबके सबका इस क्वेश्चन में। अंतिम परीक्षा में टोटल छात्रों का परसेंटेज निकालना है, उत्तीर्ण होने वाले टोटल छात्र। मैंने कहा जब भी टोटल छात्रों का टोटल की वैल्यू निकालनी हो तो एवरेज का तरीका लगाओ, जल्दी आ जाएगा आंसर। एवरेज वाला तरीका लगाओगे जल्दी आ जाएगा आंसर, एक्स्ट्रा वाला तरीका बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी फास्ट। आप मेथड कोई भी लगा सकते हो, लेकिन अगर मेरे लिए ये क्वेश्चन आता तो मैं एक्स्ट्रा वाला तरीका लगाता, क्वेश्चन खत्म हो जाता। तो देखना भाई क्वेश्चन, लड़की और लड़कियों की बात हो रही है, जहां लड़की और लड़की मिल जाए दोनों को मिला दो, पर तुम मत मिला देना भाई, समझ लेना मिश्रण है बस, करो। ये एडिशन वाला क्वेश्चन है, मैं कमेंट देख लूं एक बार क्या कर रहे हो बे तुम, कहां सेंड करूं, अबे कुछ सेंड मत कर तू, तू आंसर बता चुपचाप, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये जितने भी है ना पढ़ लो तुम, अगर मैं आ गया ना तुम्हारे घर पे, सच बता रहा हूँ भाई साहब, पढ़ लो चुपचाप, बताओ रे आंसर। चलो तुमसे क्या होगा, तुम तो कमेंटों पर ध्यान दे रहे हो बे, यहां देखो, एक कॉलेज में 35% क्या है भाई साहब, लड़कियां यानी कि गर्ल्स, और ये बॉयज, और कितने परसेंट लड़कियां हैं, 35%। अगर 35% लड़कियां तो बचे हुए कितने परसेंट बच गए बेटा बताओ, 65, तो 65% लड़के हो गए। अगर 5 से काट दूं तो 5 सत्ते 35 और 13 पंजे 65, तो ये हो गया। तो आप बताओ टोटल कितने हो गए भाई, टोटल बताओ भाई टोटल कितने हो गए, 20। अरे क्लियर है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पता लग गए पहली लाइन से। अब क्वेश्चन में कह रहा है कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या बाढ़ में जान दो, अगर हमें आंसर परसेंटेज में निकालना है तो वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अगर हमें आंसर परसेंटेज में निकालना है तो हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है 75% लड़के और 85% लड़कियां अंतिम परीक्षा में क्या हुई, उत्तीर्ण। तो लड़के कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए भाई ये बता दो, 75%, तो लड़कों की तरफ लिख दो 75% और लड़कियों की तरफ लिख दो 85%। अरे क्लियर है, तब ये कह रहा है कि बताओ पूरी परीक्षा में टोटल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो टोटल का आंसर निकालना है। मैंने क्या बोला, जब भी टोटल का आंसर निकालना हो तो बेहतरीन तरीका एवरेज वाला तरीका लगा दो, दोनों को मिक्स मार दो, कम वाले में जो ज्यादा वाले को मिला दो। तो आप बताओ तरीका क्या लगाएं बेहतरीन, अगर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो 85 वाले को 75 में डाल दो। अरे बोलो यार, तो 85 वाला जब 75 में जाएगा तो कितना फालतू लेके जाएगा, बस ये देख लो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहीं की यहीं। तो आप बताओ 85 वाले को लेके जाना था 75 लेकिन लेके गया 85, तो कितना फालतू लेके गया, 10, और 10 कितने बंदे लेके गए फालतू, ये 7, तो 10 फालतू लेके गया कितने बंदे बेटा, 7, तो टोटल कितना फालतू चला गया होगा, 70, और वो 70 जब फालतू जाने के बाद बराबर बटेगा कितने में, टोटल में 20 में,
तो 20 में जब बांटोगे तो 0 से 0 काटो और 2 से 7 काटेगा 3.5 बार, इसका मतलब 3.5 और बढ़ जाएगा। अरे बोलो 3.5 किससे बढ़ जाएगा? 75 से। तो आपका जो आंसर आएगा भैया वो 75 से 3.5 बढ़ाओगे तो आंसर आएगा 78.5। बेहतरीन तरीका, कम कैलकुलेशन, फास्ट आंसर, आंसर नंबर डी। तो अगर आपको कभी भी टोटल की वैल्यू निकालनी हो तो बेहतरीन तरीका होता है कि कम वाले को ज्यादा वाले को उठा के कम वाले में पेलो सीधा। और ये देख लो कितना फालतू है, वो सब में बराबर बराबर बांटो, बराबर बांट के छोटे वाले का बढ़ा दो उतना, सेट हो गया, सब बराबर हो गए, खत्म बात, दैट्स इट। अरे समझ गए? अगर आपको बहुत आसान कैलकुलेशन करनी है तो एक्स्ट्रा ही कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन खत्म। समझे या नहीं समझे भैया? समझ आया नहीं आया भैया? वेरी गुड। कोई कहता कि नहीं हम तो करेंगे दूसरे तरीके से, जैसे कुछ टेट वाले यहां बैठे होंगे, अगर टेट वाले बैठे होंगे तो वो तो कहेंगे गुरुजी हमें तो वही कराओ तुम जो तुम्हें मैं करवाते हो, है ना? तो टेट वालों तुम देख लो बे, तुम्हारा दुख दर्द ज्यादा है मुझे, देखो यहाँ ये तुम्हारी बुद्धि ज्यादा चलती है, देखो वही तरीका देख कर रहा हूँ, गौर से समझना बेटा। हेलो, गर्ल्स कितने परसेंट दे रखे? गर्ल्स कितने परसेंट है बेटा बताओ? 85%। और बॉयज कितने परसेंट दे रखे बेटा? 75%। और टोटल का निकालना है तो टोटल को मान लो एक्स परसेंट, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ जाएगी बस, समझ रहे हो? तो बेटा आप बताइए 7 × 85 करना पड़ेगा टोटल चेंज निकालने के लिए, तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 56, 56 और 3 = 59, तो 595% तो ये हो गया, प्लस 13 × 2 करो तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 78 × 6 = 84, 13 × 7 = 91, 91 × 6 = 97, तो ये आ गया इतना बराबर, ये हो गया 20x%। बोलो क्लियर है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कैलकुलेटिव ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा था तुमसे अगर टोटल की वैल्यू निकालनी तो जो मैंने तरीका बताया वो लेस कैलकुलेटिव है और ये ज्यादा कैलकुलेटिव है। अगर आपको जल्दी आंसर निकालना है तो लेस कैलकुलेटिव वाला तरीका लगाओ ना, काहे को मर रहे हो? मैं तुम्हें तरीका बता दिया, जोड़ो इन्हें। आप बताओ 5 और 5 तो 20x% बराबर क्या आएगा बेटा? जोड़ना 5 और 5 = 10, 9 और 7 = 16 और 1 = 17, 9 और 5 = 14, 14 और 1 = 15, तो ये 15 = 70। 0 से 0 काटो और 2 से काट दो बस, तो 2 से अगर काटोगे तो 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10, तो आंसर तो आ गया भैया एक्स परसेंट। लेकिन पता है तुम्हें कितना टाइम वेस्ट होगा इस कैलकुलेशन में? तो अगर आपको कैलकुलेशन घटानी है तो बेहतरीन तरीका है एवरेज मेथड। तो ये बात गौर से सुन गए होंगे और सबको समझ में आ गई होगी कि जब भी प्लस वाले केस आएगा और टोटल पर चेंज निकालना होगा तो हम कभी भी ये वाला तरीका ना लगाकर एवरेज का तरीका एक्स्ट्रा निकाल के क्वेश्चन खत्म। सर समझ में आ रही बात? आपका चाहे कितनी बड़ी वैल्यू कितनी भी छोटी वैल्यू जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए भाई आपको दोनों तरीके समझ आ गए होंगे, अब इस क्वेश्चन को करो, खर्चे में रोज करूँ सू, ठीक है? जल्दी आंसर बताओ बे, आओ ऐसे ऐसे खर्चे में रोज करूँ सू, आंसर बताओ बे, हो जाएगा मेरा खर्चा गुणा, आंसर बताओ बे, आंसर बताओ बे। रेनू आ गई इसमें, रेनू बचत कर रही है 20% की, आंसर बताओ बे लौंडो, सबके सब बेटा सबके सब स्टूडेंट्स आंसर बताएं प्लीज। प्लीज जल्दी फास्ट फास्ट मुझे आंसर चाहिए आपका। अब देखो किसमें निकालनी है, बचत में वृद्धि निकालनी है और बचत एक कंपोनेंट है, और अगर कंपोनेंट का आंसर निकालना हो तो ज्यादा माथा पच्ची मत करना, आप टोटल चेंज वाला तरीका लगाना, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलें भाई करें। तो देखिए आप बताओ, आय खर्च और बचत की बात हो रही है तो सबके सब जानते हैं खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है बेटा? आप बताइए आय, ये तो सब जानते हैं ना। अब क्वेश्चन देखना भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेलो सबके सब देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, अगर वो 20% बचा रही है तो खर्चा कितने परसेंट कर रही है? 80। तो अगर मैं 20 से ही काटूं दोनों को तो रेशियो कितना आएगा बेटा बताओ उनके नंबर का? तो 20 × 80, 20 × 1 = 20, तो आय कितनी बन रही होगी वैल्यू के अकॉर्डिंग? 5। अब क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है, खर्चा बढ़ा 20%, समझ गए, बढ़ने का मतलब प्लस, यदि आय में 29% की वृद्धि होती है
आय बढ़ी 29% प्लस 29%, तो कह रहा है बचत में वृद्धि निकालिए, बचत को मान लीजिए x परसेंट। बोलो क्लियर हुआ? तो टोटल चेंज बराबर टोटल चेंज कर दो, क्वेश्चन खत्म। 20 की वृद्धि 4 में तो टोटल वृद्धि कितने की हो गई 80%, 1 की वृद्धि x में तो ये हो गई x परसेंट बराबर 29 किसका 5 का, तो 5 नाम 45, 5 दुनी 10 4 14 145%। और अगर आपको x निकालना है तो डायरेक्टली 80 माइनस कर दो, तो आप बताओ x परसेंट का आंसर क्या आएगा, 145 में से 80 माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा बेटा 5, और 14 में 8 गया तो 6, और ये प्लस का आंसर आएगा, तो इसका मतलब x परसेंट का आंसर आ गया प्लस में, प्लस का मतलब वृद्धि होगी, और कितने परसेंट की 65% की, और वृद्धि की बात पूछ रहा था, कितने परसेंट आंसर आएगा बेटा 65%। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? बोलो समझ आया? तो अगर कंपोनेंट का आंसर निकालना हो ये तरीका लगा देना, टोटल की वैल्यू निकालनी हो चेंज की तो एवरेज वाला तरीका लगा देना, बट मेरे हिसाब से आपको जो समझ आए वो ठोक देना, पर आप आंसर बता देना। बोलो क्लियर हुआ? ये भी क्वेश्चन आई थिंक एसएससी सीजीएल मेंस का था, देखो 2020। तो अब आपको क्या दिक्कत है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई टॉप क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बेफालतू में हवा बनाने से कोई फायदा तो है नहीं। चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सबके सब, जल्दी फास्ट। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। इसमें क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के अंदर आपको चेंज निकालना है व्यय का, और व्यय का मतलब है खर्च, और खर्च एक कंपोनेंट है, तो कौन सा तरीका लगाना बेस्ट रहेगा, टोटल चेंज वाला, टोटल चेंज वाला तरीका लगाओ और आंसर बताओ जल्दी फास्ट। होशियार है गो भैया तू, है भाई लक्ष्मण आज नहीं आया क्या? हाय सर। हाँ बेटा हाय, मैंने पढ़ लिए तुम्हारे मैसेज यार, मैसेज मेरे सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं ना, मैंने पढ़ लिए आपके, आप बस आंसर बताइए जल्दी फास्ट फास्ट, है ना? सबके सभी के सभी बच्चे मुझे आंसर बताएं जल्दी फास्ट। हाँ चलिए भाई देखिए, आप बताइए अगेन, आय आय बचत और खर्च की बात हो रही है, तो सबके सब जानते हो खर्च बराबर क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ खर्च बराबर क्या होता, नहीं खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है आय। अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है लाइन टू लाइन, यदि राघव अपनी आय का 80% खर्चा कर देता है, अगर ये 80% खर्चा कर रहा है तो बचत कितने परसेंट कर रहा होगा 20%, अगर काटोगे तो जो इनकी वैल्यूज का रेशियो आएगा, इनकी वैल्यूज का जो रेशियो आएगा बेटा वो कितना आएगा, 20 चौका 80 और 20 एकम 20, तो आय कितनी बन गई बेटा 5, यानी कमा 5 रुपए रहा होगा। अब क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, आय में 12% की वृद्धि हो रही है, तो आय बढ़ रही है 12% से। बोलो क्लियर हुआ? अब वो कह रहा है कि यदि बचत में 10% की कमी हो रही है, बचत कम हो रही है 10% से, बोलो क्लियर है क्या? अब वो कह रहा है खर्चे में बताइए कितने परसेंट की वृद्धि हुई, खर्चे की वैल्यू निकालनी है तो x परसेंट मान लो। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या सबको? तो अभी तक तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप बताइए कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है तो टोटल चेंज बराबर टोटल चेंज करो, क्वेश्चन खत्म। तो x परसेंट किसका निकालेंगे बेटा 4 का, तो टोटल कितना बनेगा बेटा आप बताओ 4x%, 10% की कमी 1 की तो टोटल कितना बनेगा -10%, और बेटा बताओ यही बराबर होगा 12% किसका 5 का, तो 12×5=60%। अब बताओ ये 10 इधर को आगे जुड़ जाएगा तो 4x% बराबर कितना आएगा बेटा आप बताओ प्लस का 70%, और बेटा अगर मैं काटूं 4 से तो 2 बार कट गया और 4 से कट गया 35 बार, तो x परसेंट जो आएगा वो आ जाएगा 35 का आधा, बेटा बताओ 35 का आधा डायरेक्ट कितना होता है 17.5%, तो इसका मतलब वृद्धि होगी कितने परसेंट की 17.5%। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, तो आंसर इज 17.5%। अगेन ये क्वेश्चन सीजीएल मींस 2019 का है, लेकिन यही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आते हैं, यही क्वेश्चन आपके सीएचएसएल में आते हैं, यही सेम क्वेश्चन आपके टेट में आते हैं, यही क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस में आते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि आप लोग कैसे कह देते हैं कि भाई ये अलग और वो अलग। ठीक है यहां देखो अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी फास्ट। देखो इस क्वेश्चन में टोटल वैल्यू निकालनी है, टोटल टोटल निकालना है, जल्दी आंसर बताओ। ये कह रहा है एक परिवार का गेहूं सब्जी और तेल पर खर्च इतना दे रखा है, यदि उन वस्तुओं के मूल्य में खर्च मूल्य और खपत, खर्च की बात आ गई यहां पे, बात किसकी हो रही है बेटा खर्च की,
और किसकी बात हो रही है, मूल्य की, तो खपत भी आ जाएगी बात। तो एक बात बताओ, खर्च बराबर होता क्या है ये बताओ। खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य इंटू क्वांटिटी, यहां इंटू वाली बात है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, पर उसके बाद ये कुल खर्च की बात कर रहा है, कुल खर्च की। तो क्वेश्चन में खर्च की बात दे रखी है और मूल्य की बात दे रखी है, लेकिन क्वांटिटी की कोई बात नहीं दे रखी। इसका मतलब क्वांटिटी कांस्टेंट रही होगी, और क्वांटिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो जो काम मूल्य के लिए होगा वही काम किसके लिए हो जाएगा, खर्च के लिए। समानुपाती वाली बात। तो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, क्योंकि आधे लोग ये कहेंगे कि भैया ये बताओ, चेंज तो हो रहा है मूल्य में और तुमने वही चेंज खर्च में क्यों मान लिया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि खर्च बराबर मूल्य इनटू खपत होता है, और क्वेश्चन में खपत की कोई बात नहीं कह रहा है, इसलिए खपत कांस्टेंट है, और खपत कांस्टेंट हो गई तो खर्चे पर वही इफेक्ट पड़ेगा जो मूल्य पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यानी मूल्य बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, मूल्य घटेगा तो खर्चा घटेगा, और खर्चे की टोटल वैल्यू पूछ रहा है। मजे की बात ये देखो, और अनुपात भी खर्च का ही दे रखा है, यानी खर्च की वैल्यू दे रखी है और चेंजेस दे रखे हैं मूल्य के। खर्च का रेशियो दे रखा है और चेंजेस दे रखे हैं मूल्य के, लेकिन मैं उन्हीं चेंजेस को मूल्य वाले को किसका किसका मान ले रहा हूं चेंज बेटा, खर्च का। क्यों? क्योंकि खपत कांस्टेंट है, खपत कांस्टेंट है तो मूल्य में चेंज जो होगा वही खर्च में चेंज होगा, सिंपल। और फिर आपको टोटल खर्चा में चेंज निकालना है। तो ये क्वेश्चन एडिशन का तो हुआ तीनों को मिला के। तो चलिए भाई आप बताइए, हेलो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, यहां देख लो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर तीन पार्ट दे रखे हैं। कितने पार्ट दे रखे हैं? तीन। आप बताओ तीन पार्ट्स में खर्च हो रहा है भाई, तीन पार्ट्स में खर्चा हो रहा है। तो क्वेश्चन देखना, यहां पर सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, यहां पर सॉल्यूशन कर रहा हूं। यहां देखो क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक परिवार गेहूं सब्जी और तेल पर खर्च करता है किस अनुपात में, 12:8:5। ये खर्चे की वैल्यू दे दी, खर्चे की वैल्यू दे दी, लेकिन वो कह रहा है यदि इन वस्तुओं के मूल्य में 50%, 25% और 40% की वृद्धि होती है, तो बताइए कुल खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो टोटल खर्चे पर हमें, टोटल खर्चे पर हमें चेंज निकालना है, टोटल खर्चे का चेंज निकालना है। आप बताइए मूल चेंज किस में हो रहा है, मूल्य में चेंज हो रहा है, मूल्य में, लेकिन क्वांटिटी की बात नहीं बोली गई। क्वांटिटी कांस्टेंट, और क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो मूल्य पर जो चेंज होगा वही खर्च में माना जाएगा। तो इसका मतलब अगर पहले वाले के केस में मूल्य में अगर 50% वृद्धि हो रही है तो उसका जो खर्च होगा वो भी 50% ही बढ़ेगा। अरे क्लियर है? अगर दूसरे वाले केस में 25% मूल्य बढ़ रहा है तो खर्चा भी 25% ही बढ़ेगा। तीसरे वाले केस में अगर आप 40 मूल्य 40% बढ़ रहा है तो खर्चा भी 40% बढ़ा होगा। बोलिए क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ये क्वेश्चन है। अब आंसर कर रहा हूं, गौर से सुन लो। अगर आपको सबको मिलाना हो तो बेहतरीन तरीका है एक्स्ट्रा वाला तरीका। और आप बताओ सबसे कम कौन सा, ये बताओ 25, तो इन्हें उठा के इसमें मिला दो, इस 40 और 50 को उठा के 25 में डाल दो। तो आप बताइए जब 50 वाला इसके अंदर जाएगा तो कितना फालतू लेके जाएगा, 25, और 25 फालतू कितने लोग लेके जाएंगे बेटा, 12। तो ये टोटल कितना परसेंट फालतू चला गया, 25, 12×5=60 और 12×2=24 और 3=30। तो 300% तो ये फालतू चला गया एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा देखो बस एक्स्ट्रा। और आप बताइए 40 वाला जब 25 में जाता तो कितना फालतू लेके जा रहा है, 15, और 15 कितने बंदे लेके जा रहे हैं, 5। तो 15×5=75, ये फालतू पहुंच गया। बोलो क्लियर है? तो आप बताइए टोटल जो फालतू पहुंचा एक्स्ट्रा, टोटल जो एक्स्ट्रा पहुंचा वो 300, ये 75, ये तो टोटल कितना एक्स्ट्रा पहुंच गया, 375। और ये बराबर बराबर कितना बटना चाहिए, तो टोटल जोड़ के देखो 12 और 8 20 और 5 25, तो टोटल 25 में बांट दो इसको। तो 25 एकम 25, 12×125, 25 एकम 25, 12×125, 25×125, तो हर एक का बढ़ेगा 15%। और था कितना पहले ये सबका, 25, तो 25 में अगर 15% बढ़ाएंगे तो नेट जो बनेगा वो बनेगा 40% वृद्धि। बोलो क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 40%। बोलो क्लियर हुई बात? तो बेहतरीन तरीका, अगर आपको कम कैलकुलेशन से आंसर करना है तो सिर्फ कम वाले के अंदर ज्यादा वालों को डाल दो। जैसे आप कम वाले के अंदर ज्यादा वालों को डालोगे तो यहां से एक्स्ट्रा आएगा 300, यहां से एक्स्ट्रा आएगा 75, टोटल एक्स्ट्रा आएगा 375। उसे बराबर बराबर सब में बांट दो 25 बंदों में, तो हर एक के पास पहुंचेगा 15 एक्स्ट्रा, और 15 एक्स्ट्रा कहां से, 25 से, 15+25 कितना हो गया, 40, यानी टोटल चेंज आएगा 40% का। खत्म क्वेश्चन। बोलो क्लियर हुआ? चलिए भाई अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो तो ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2022 का, ये सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है, देख लो।
अब इसके बाद मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूं और सबके सब मुझे आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट। बताओ आंसर। ये रहा सेम क्वेश्चन CHSL 2022 में ही, तभी पूछा गया किसी दूसरी शिफ्ट में। आंसर बताओ जल्दी फास्ट। ये सेम क्वेश्चन देख लो, उसी 2022 में पूछा गया। अब आंसर बता दो जल्दी फास्ट। आपको अनुपात दे रखा है खर्च का, आपको अनुपात दे रखा है खर्च का, कीमतों का चेंज दे रखा है और टोटल खर्चा पूछा गया है। टोटल खर्च में तो क्वेश्चन तो ये वही है ना, तो डायरेक्ट खत्म करो, अब टाइम वेस्ट करे बिना जल्दी फास्ट आंसर बताओ। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू जल्दी फास्ट। मुझे आंसर चाहिए बेटा सभी का। चलिए भाई आप सभी का आंसर आ गया होगा। यहां देखो कितने पार्ट्स हैं बेटा ये बता दो बस जल्दी फास्ट। कितने पार्ट्स हैं बेटा ये बता दो जल्दी फास्ट। 9, 11 और 5 इसमें खर्च हो रहा है। अरे ये तो खर्च हो रहा है इनका इस अनुपात में, लेकिन वृद्धि कितने कितने की हो रही है। पहले वाले में 10%, दूसरे वाले में 20% और तीसरे वाले में 30%। और हमें टोटल का चेंज निकालना है, तो टोटल का चेंज निकालने का बेहतरीन तरीका है सबको मिला दो, और मिलाने का बेहतरीन तरीका है कम वाले के अंदर बाकियों को डाल दो। अरे क्लियर है? तो आप बताओ जब 20 वाला इसके अंदर जाएगा तो कितना फालतू लेके जाएगा, 10, और 10-10 कितने फालतू लेके जाएंगे बताओ। 10% कितने बंदे फालतू लेके जाएंगे, 11, तो 110 तो ये फालतू पहुंच गया। और 30 वाला जब 10 के अंदर जाएगा तो कितना फालतू लेके जाएगा, 20, और 20% कितने बंदे फालतू लेके जाएंगे, 5, तो टोटल 100 ये फालतू पहुंच जाएगा। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना पहुंच गया बेटा ये बता दो। 110 तो ये हो गया और 100 ये हो गया, तो आप बताओ टोटल कितना एक्स्ट्रा पहुंच गया बेटा, 210। कितना पहुंच गया, 210। और इसे बराबर बराबर सम में बांट दो तो 11 और 9 20 और 5 25। तो बेटा 25 में अगर बांटोगे तो 25 से काट दो, तो आप कहेंगे यार 25 अट्ठे 200 और कितना बच गया बेटा 10। पॉइंट लगाओ, 1 0 25 4 100, यानी 8.4% बढ़ जाएगा। कहाँ से बढ़ जाएगा बेटा बताओ, 10 से। तो आप 10 से अगर 8.4 बढ़ाओगे तो आंसर आएगा 18.4% की वृद्धि। बोलो क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन। अरे बात समझ में आई? तो बेहतरीन तरीका होता है अगर कभी भी आपको टोटल का चेंज निकालना हो तो यूज द एवरेज मेथड, यानी कि एक्स्ट्रा। अरे क्लियर है? और अगर किसी कंपोनेंट का निकालना हो तो टोटल चेंज बराबर टोटल चेंज। बोलो क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आ गई बात? चलिए भाई अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी। जल्दी फास्ट बताइए आंसर। Tell me the answer to this question, please fast. अब किसका चेंज निकालना है देखो, किसका चेंज निकालना है देखो, बचत। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? बचत का अगर निकालना है तो बचत एक कंपोनेंट होती है। अगर बचत कंपोनेंट है तो बेटा टोटल चेंज बराबर टोटल चेंज लगा दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जल्दी बताइए आंसर। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, कोई फायदा नहीं है अब टाइम वेस्ट करने से। हमें यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, वो कॉन्सेप्ट मैंने अच्छी तरह क्लियर कर दिया। तो यहां पे देखिए बेटा, हेलो करें तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा बताओ। खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है बेटा, आप ये बताइए आय। अरे होता है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 खर्च करता है, तो 2/3 खर्च करने का मतलब यह है कि खर्चा कर रहा है 2 का, यदि टोटल कमा रहा है 3, तो 2 में कितना जोड़े कि खर्चा 3 हो जाए 1। तो इसका मतलब खर्च और बचत का अनुपात कितना आ गया बेटा, 2:1। यदि उसके आय में 14% की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 14। यदि उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होती है बेटा, 20%। खर्चा बढ़ रहा है 20%, तो बताइए उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। बचत में निकालना है, अगर बचत की वैल्यू निकालनी तो x% मानो, और जब कंपोनेंट निकालना है तो टोटल चेंज बराबर टोटल चेंज लगा दो, जल्दी आंसर आ जाएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो 20 × 2 = 40 प्लस एक्स बराबर 14 × 3 = 42। बेटा बताओ 40 जब इधर को आएगा तो -2 होगा, -40 होगा, तो एक्स बराबर कितने परसेंट आ जाएगा बेटा, +2%। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा +2%। अरे बात समझ में आ गई? तो बेटा आप बताइए क्या आपको अभी आज ये टॉपिक क्लियर हो गया? तो गुणा खत्म, भाग खत्म, अलग अलग संख्याओं का चेंज खत्म। कल हम स्टार्ट करेंगे एक संख्या को बार बार बदलना। अरे क्लियर है या नहीं है?
कल हम टॉपिक करेंगे एक संख्या को बार बार बदलना। चलिए बेटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।